हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बोनसाई को कैसे जल्दी से घना और मोटा बनाया जाए। तो ये बोनसाई बनाने के लिए हमने ये कुछ कटिंग्स ली हैं, तो आप देख सकते हैं कटिंग्स हमारी कितनी पतली पतली सी कटिंग्स हैं। और अगर इन कटिंग्स को हम अभी लगाएंगे तो बहुत दिनों में हमारी ये कटिंग्स बोनसाई बनाने के लिए तैयार हो पाएंगी। तो इसके लिए हम एक नया तरीका आपको बताते हैं, जिससे आपकी बोनसाई जो है वो बहुत ही जल्दी घनी और मोटी हो जाएगी। तो इसके लिए हमें जो नीचे की लीव्स हैं ये सभी हटा देनी है इस तरह से, केवल 3 से 4 पत्तियां ऊपर रखनी है, बाकी की हटा देनी है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो ब्रांच है इसकी हमें स्किन इस तरह से चाकू की हेल्प से इस तरह से इसकी स्किन जो है ये हमें हटा देनी है। जितनी भी ब्रांच है हमारे पास सभी की स्किन इस तरह से हटाएंगे हम। भी हमारे पास ब्रांच थी, सभी ब्रांच की हमने स्किन को हटा दिया है। तो स्किन हटाने से क्या होगा, जब हम इनको इस तरह से धागे से या टेप से बांध देंगे, जितनी भी हमारी ये ब्रांचेस हैं ये आपस में इस तरह से चिपक जाएंगी। जल्दी ही हमारे पास एक मोटी सी बोनसाई बनके जेट प्लांट की तैयार हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह से बांध देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी ये बोनसाई दिख रही है। इसकी जो नीचे की ब्रांच है इनको बराबर रखना है, जिससे कि इतना सा हम मिट्टी में इनको 1 इंच तक इसको हम मिट्टी में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं जब ये जैसे जैसे इसकी पत्तियां जो हैं ये बड़ी होती जाएंगी, तो इसको हम पिंच करते जाएंगे इस तरह से। तो पिंच करने से हमारा जो प्लांट है ये बहुत ही ज़्यादा बुशी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी बोनसाई दिख रही है। तो ये हमने लिया है छोटा सा पॉट, तो अभी हम इसको छोटे से पॉट में लगाएंगे। जैसे हमारी ये बोनसाई बड़ी हो जाएगी 1 साल के बाद इसको हम रीपॉट कर देंगे। 1 इंच इसको हमें मिट्टी में इस तरह से डालकर दबा देना है। जेट प्लांट होता है ये सन लविंग प्लांट होता है, तो अभी इसको 2-3 दिनों के लिए 1-2 घंटे की धूप में रखेंगे, फिर उसके बाद इसको रख देंगे जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप आती हो। प्लांट जो है ये बहुत ही हेल्दी ग्रो होगा। तो आप देख सकते हैं छोटा सा बोनसाई हमारा कितना सुंदर दिख रहा है। आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूज़फुल वीडियो के साथ। अब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।